बहराइच पहुंचे अखिलेश यादव किया जनसभा को संबोधित। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच पहुंचे अखिलेश यादव। बता दें बहराइच की पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जिसके बाद बाइक कार गेंदघर मैदान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। तो वहीं अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहराइच लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी रमेश गौतम के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। वहीं आगे उन्होंने कई मुद्दों को लेकर संबोधित किया। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह ने भी अखिलेश यादव के सामने मनसियाशय आश्वस्ति इसके क्रिया जाए, लेकिन बहराइच सीट जिता कर देंगे। जनरल एक्सप्रेस केजरीवाल जी को क्यों करा रहे हैं भैया? आप शिबू सोरेन के सुपुत्र हेमंत सोरेन जी को जीते गए हैं आज बच्चे, और पिछले 10 साल से हम लोग सरकार से मांग क्या करते हैं, किसान अपनी मांग क्या करता है, शिक्षक अपनी मांग क्या करता है, नौजवान अपनी मांग क्या करता है। आज सरकार आपके पास आपका समर्थन लेने के लिए आपसे बात कर रही है, लोग का समर्थन दे रहे हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि 10 साल की सरकार ने हमारी जो धरोहर थी, जो किसान था, खेत में किसान काम करने वाला और सीमा पर नौजवान काम करने वाला, इन दोनों को समाप्त करने का काम, इन दोनों को बर्बाद करने का काम ये सरकार ने किया है। इसलिए हम साथियों आपसे अपील करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश गौतम गाजी की सरजमी पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये वादा करता हूं सब कार्यकर्ताओं की तरफ से कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये सीट आप जिता के देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत, जय भीम।
निकली और उनका हर वादा झूठा निकला। जिन्होंने कहा कि किसानों की आय तो पूरी हो जाएगी, हमारे किसान भाई भी आए होंगे, उनके परिवार के सदस्य लोग भी हैं, नौजवान उनके परिवार के हैं, बताओ किसानों की कहीं आय दोगुनी हो गई हो तो ना आय दोगुनी हुई और महंगाई बढ़ा करके जो लागत बढ़ाई है उससे हमारे किसान की आपकी जिंदगी और खराब हो गई। जितना दे रहे हैं वही हमारे किसान भाइयों को इन्होंने काले कानून बना करके संकट में फंसा दिया था। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि एक एक किसान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का इकट्ठा हो गया और दिल्ली जाकर के सरकार को घेर लिया। सालों साल बैठा रहा किसान, 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान नहीं हटा। किसान तब हटा वो दिल्ली से जब किसानों की मांग पूरी हो गई और तीनों काले कानून सरकार ने वापस ले लिया, किसान पीछे हटा दे रहे हैं। वही हमारे किसान भाइयों को इन्होंने काले कानून बना करके संकट में फंसा दिया था। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि एक एक किसान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का इकट्ठा हो गया और दिल्ली जाकर के सरकार को घेर लिया। सालों साल बैठा रहा किसान, 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान नहीं हटा। किसान तब हटा वो दिल्ली से जब किसानों की मांग पूरी हो गई और तीनों काले कानून सरकार ने वापस ले लिए, तब किसान पीछे हटा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, हमारे जागरूक लोग जानते होंगे जब कर्ज माफ करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो उन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका बैंकों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। ये बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके नियम बनाया और नियम इसलिए बनाया कि वो किसानों का कर्ज माफ ना हो पाए। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज था उनका 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। हमारा किसान जिसका केवल लाखों में कर्ज है वो देखता रह गया, निराश हो गया। इस सरकार ने हमारे किसानों का, गरीबों का, लाखों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने जिन्होंने परीक्षा लिखने के लिए तैयारी की होगी, इस सरकार ने जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए। वादियों का बहुत बड़ा परिवार है, बीजेपी वाले के पास तो परिवार नहीं है। किसने रोका है परिवार को ना टिकट देने के? और अगर ये परिवार के खिलाफ हैं, अगर ये परिवार के खिलाफ हैं, तो अगर ये लोग परिवार के खिलाफ हैं, तो किसी परिवार वाले को टिकट ना दें और किसी परिवार वाले से वोट ना मांगे। मैं समझता हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली सूची उन्होंने नहीं देखी। जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ और हद तो तब हो गई, जो वैक्सीन लोगों की जान बचाती उस वैक्सीन की कंपनी से ही पैसा ले लिया और वो वैक्सीन आज कह रही है कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। अब बताओ जिसके वैक्सीन लग गई है वो वैक्सीन कैसे वापस लेंगे? कोई खतरे में नहीं है, बीजेपी को जनता से खतरा है। वोट डाल के आए हैं, करोड़ों जनता वोट डाल रही है और जिन 60 लाख नौजवानों का इन्होंने नौकरी छीनी है, पुलिस भर्ती से लेके तमाम परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए हैं, वो 60 लाख बच्चे उनके माँ बाप जोड़ दो तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दो 80 लोकसभाओं में तो बीजेपी का हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। उसका जवाब है उनके पास? अग्निवीर का कोई जवाब है? ये हमारे खाकी वर्दी पहने वाले लोग हैं, ये
ये अगर आउटसोर्स पे हो जाएंगे, इनकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी, तो ये वोट नहीं डालेंगे खिलाफ क्या? और ये लोग जो पूछते हैं, ये बताओ लेटरल एंट्री जब हुई थी, लेटरल एंट्री में ना आरक्षण दिया गया और लेटरल एंट्री विदेश से बुलाए गए, 3 साल नौकरी की, लूटा लुटाया और वो 3 साल बाद विदेश भाग गए। अभी तक तो हम सुनते थे उद्योगपति भागे, लेटरल एंट्री से जो अधिकारी बने थे वो भी तो वापिस चले गए विदेश, क्या नहीं चले गए? क्या IAS में टेम्परेरी नौकरी नहीं आ गई? तो ये 3 साल की नौकरी हो जाएगी तो क्या भविष्य है इन लोगों का? देखिए, सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।